हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक मैन सुरेश। दोस्तों, महिंद्रा ने कुछ दिन पहले लॉन्च कर दिया है अपना नया पिकअप, जिसका नाम रखा गया है भीरो। जब से दोस्तों भीरो पिकअप लॉन्च हुआ है, तब से इसका डिमांड बहुत ही बढ़ गया है। और दोस्तों, अभी ये डायरेक्टली कम्पीट करता है टाटा मोटर्स की इंट्रा सीरीज को और अशोक लेलैंड की दोस्त सीरीज को। दोस्तों, हमने इसका कंपैरिजन किया है टाटा इंट्रा V50 के साथ, जिसका वीडियो भी आपको हमारे वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम महिंद्रा भीरो का कंपैरिजन करेंगे अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त i4 मॉडल के साथ। अभी बहुत सारे लोग महिंद्रा भीरो का कंपैरिजन कर रहे हैं अशोक लेलैंड की बड़ा दोस्त i3 मॉडल, दोस्त XL और दोस्त स्ट्रॉन्ग के साथ। मगर दोस्तों, ये सही कंपैरिजन नहीं है। बड़ा दोस्त i3 और दोस्त XL का पेलोड कैपेसिटी है 1300 kg से लेकर 1400 kg तक। इस वजह से ये इसका सही कंपैरिजन नहीं है। और इसका सही कंपटीटर है बड़ा दोस्त i4 मॉडल, जिसमें इंजन पावर परफॉर्मेंस, कार्गो डेक और इसमें कुछ और ऐसे फीचर्स है, जिस वजह से ये महिंद्रा भीरो का सही कंपटीटर है। बात करें दोस्तों दोनों गाड़ियों का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में, जो कि है इंजन। महिंद्रा भीरो में लगा हुआ है 3 सिलेंडर वाला 1.5 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन DI इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 1493 cc, जो कि मैक्सिमम 80 HP का पावर जनरेट करता है 3500 RPM तक। और इसमें आपको मिलता है 210 Nm का टॉर्क, जो कि 1400 RPM से लेकर 2600 RPM तक टॉर्क इसमें जनरेट करता है। कंपनी इसका माइलेज क्लेम करता है 18.4 km/L, जबकि अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त i4 में लगा हुआ है 3 सिलेंडर वाला 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंटरकूल BS6 सेकंड जनरेशन डीजल इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 1478 cc, जो कि मैक्सिमम 80 HP का पावर जनरेट करता है 3300 RPM तक। और इसमें आपको मिलता है 190 Nm का टॉर्क, जो कि 1600 RPM से लेकर 2400 RPM तक टॉर्क इसमें जनरेट करता है। और कंपनी इसका माइलेज क्लेम करता है 17 km/L। यदि दोस्तों आप दोनों मॉडल का इंजन पिकअप पावर परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपेयर करेंगे, तो महिंद्रा भीरो में आपको थोड़ा बेहतर टॉर्क मिलेगा। पर माइलेज के मामले में भी अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i4 से महिंद्रा भीरो का माइलेज थोड़ा बेहतर रहेगा। बात करें दोस्तों लुक्स और डिजाइन के बारे में, तो महिंद्रा भीरो का लुक्स और डिजाइन अभी आपको देखने में काफ़ी प्रीमियम फील होगा, जिसमें है बिग साइज हेलिजेंबल टाइप हेडलैम्प्स, ऊपर है मल्टीफंक्शन टॉ इंडिकेटर्स। उसके साथ इसमें आपको महिंद्रा का नया ग्रिल विथ लोगो और भीरो के बैजिंग आप फ्रंट में दे सकते हैं। रियर डिजाइन को भी महिंद्रा ने पूरा चेंज कर दिया है। सेफ्टी के लिए पीछे अभी आपको 3 रिवर पार्किंग सेंसर्स, नॉर्मल स्टैंडर्ड टेल लाइट्स और उसके साथ सेंटर में आप महिंद्रा का बड़ा सा बैजिंग और भीरो का क्रोम फिनिश बैजिंग दे सकते हैं। और यह दोस्तों अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i4 का लुक्स और डिजाइन। आपको दोस्तों महिंद्रा भीरो और अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i4 मॉडल में से किस गाड़ी का लुक्स और डिजाइन अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करें टायर्स के बारे में, तो महिंद्रा भीरो में लगा हुआ है 15 इंच का टायर, जिसका साइज है 195 R15 टायर, जबकि अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त में भी लगा हुआ है 15 इंच का टायर, जिसका साइज है 7.00 R15 12 PR टायर्स। बात करें लोडिंग कैपेसिटी के बारे में, महिंद्रा भीरो का ग्रॉस व्हीकल वेट है 3080 kg, कोर वेट है 1480 kg, पेलोड कैपेसिटी है 1600 kg। मगर दोस्तों ये वैरी करता है इसका दो मॉडल के हिसाब से, XL और डबल XL मॉडल। XL का पेलोड कैपेसिटी है 1550 kg, जबकि डबल XL मॉडल का पेलोड कैपेसिटी है 1600 kg। अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i4 का ग्रॉस व्हीकल वेट है 3490 kg, कोर वेट है 1640 kg और इसका पेलोड कैपेसिटी है 1850 kg। इस हिसाब से आप अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i4 मॉडल में ज़्यादा पेलोड ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्गो बॉडी डायमेंशन के बारे में। महिंद्रा भीरो का कार्गो डेक का लंबाई आपको 9 फीट और 10 फीट के हिसाब से मिलता है, जो कि वैरी करता है XL और डबल XL मॉडल के हिसाब से। इसका कार्गो डेक का चौड़ाई है 5 फीट 4 इंच और ऊंचाई है 1 फीट 4 इंच, जबकि बड़ा दोस्त i4 का कार्गो डेक का लंबाई आपको मिलता है 9 फीट 8 इंच, चौड़ाई आपको मिलता है 5 फीट 9 इंच और ऊंचाई आपको मिलता है 1 फीट 7 इंच तक। यदि आप दोनों मॉडल का कार्गो बॉडी का डायमेंशन को सही से कंपेयर करेंगे, तो फिर आप जान पाएं कि बड़ा दोस्त i4 मॉडल का कार्गो बॉडी का डायमेंशन थोड़ा बड़ा है। हमारा अगला पॉइंट है फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। महिंद्रा भीरो में लगा हुआ है 40 लीटर का डीजल टैंक और 10 लीटर का एड ब्लू टैंक, जबकि अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त i4 मॉडल में आप 50 लीटर का डीजल टैंक दे सकते हैं, मगर इसमें आपको DF टैंक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा दोस्त i4 मॉडल में LNT भी अवेलेबल है। वारंटी की बात करें तो महिंद्रा भीरो में आपको 3 इयर्स का वारंटी मिलता है 1 लाख किलोमीटर तक, जबकि अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i4 मॉडल में आपको 5 इयर्स का वारंटी मिलता है 2 लाख किलोमीटर तक, जो कि सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। महिंद्रा भीरो का मिनिमम टर्निंग रेडियस है 5.1 मीटर, इस वजह से आप इसको कम जगह पर आसानी से टर्न भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग के बारे में। महिंद्रा भीरो का बेस मॉडल का एक्सोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज़ से, जो कि बड़ा दोस्त i4 मॉडल का बेस मॉडल का प्राइसिंग शुरू हो जाता है लगभग भी 8 लाख रुपीज़ से। मगर जब हम बात करते हैं कंफर्ट
और फीचर्स के बारे में, तो उसमें दोस्तों महिंद्रा हीरो अभी सबसे बेस्ट है, क्योंकि महिंद्रा हीरो में अभी जो आपको कैबिन मिलता है वो अभी भी किसी भी कमर्शियल गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसका कैबिन इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट केबिन है। ड्राइवर इसमें आराम से सो सकते हैं सीट को फोल्ड करके। और इसका टोटल सीटिंग कैपेसिटी हो जाता है D+2, जो कि ARAI सर्टिफाइड है। सीट क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है। सीट आप इसमें डुअल टोन कलर में दे सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स महिंद्रा ने दिया है जो कि आज तक किसी ने नहीं दिया था। जैसे कि इसमें आप दे सकते हैं पावर विंडोज के कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, उसके साथ इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें आप डिएबलेबल इंडिकेटर, सीट बेल्ट अलार्म और गाड़ी कौन सी मोड में चल रहा है वो भी जान सकते हैं। इसमें आपको दो फ्यूल सेविंग मोड मिलता है, जैसे कि इको मोड और पावर मोड। और उसके साथ इसमें सेगमेंट का पहला 10.25 इंच का LED टच स्क्रीन आप इसमें दे सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों ये फुली AC केबिन है, इस वजह से उसके नीचे आप इसका AC का कंट्रोल भी दे सकते हैं। गाड़ी दोस्तों बहुत ही कम टाइम में चिल हो जाता है। इसका ट्रांसमिशन है 5 स्पीड। इसमें आपको मिलता है USB चार्जिंग पोर्ट्स। और इसमें ड्राइवर की सेफ्टी के लिए महिंद्रा ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है एयर बैग्स, जो कि ड्राइवर की सेफ्टी को और भी इन्हांस करता है। जब दोस्तों बात करते हैं अशोक लैंड बड़ा दोस्त की केबिन के बारे में, तो दोस्तों इसका केबिन का हाइट आपको काफ़ी बेहतर मिलता है। सीट क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है, मगर इसमें आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है, उसके साथ है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्री इंस्टॉल ब्लूटूथ, AC केबिन, 5 स्पीड ट्रांसमिशन, बहुत सारे स्टोरेज ऑप्शन, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, फ्लकेबल ग्लोव बॉक्स। और इसमें भी आपको वॉक थ्रू कैबिन मिलता है। और इसका सीटिंग कैपेसिटी भी है D+2, मगर दोस्तों इसमें थोड़ा कम फीचर्स है यदि आप देखेंगे महिंद्रा हीरो के साथ। यदि आपको एक कंफर्टेबल और फीचर वाला केबिन चाहिए तो उस हिसाब से महिंद्रा हीरो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। मगर दोस्तों अशोक लैंड बड़ा दोस्त में भी आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिलता है। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको महिंद्रा हीरो और अशोक लैंड बड़ा दोस्त i4 मॉडल में से कौन सा गाड़ी अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ।